एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा हे परमेश्वर तो सच्चा है तेरा नाम सच्चा है। ऋग्वेद के ऋषि उस परम ब्रह्म परमेश्वर की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते हैं, ओम ओरदव ऊष्णौतये तिष्ठा देवो न सविता। देवगणों के संग हम सोने और चांदी के पात्रों जैसे बने, जिन पात्रों में वो आदि पुरुष अमृत को भर भर के पीता है। देवगण सोने और चांदी के प्यालों की तरह हैं, जिनमें उस परम ब्रह्म आदि देव का अमृत भरा हुआ है। ओरदवो वाजस्य सनितायदं जिभिर्वा द्याभि विरहवयामहि। हम मनुष्य अपनी आत्मा के प्याले को ब्रह्म ज्योति से भरें। हमारी आत्मा का पात्र उस प्रभु परमेश्वर की रोशनी से भरा हुआ हो, लबालब हो। पात्र सुपात्र और कुपात्र तीन प्रकार के मनुष्य कहे गए हैं। पात्र अपने में हमें पात्रता योग्यता पैदा करनी पड़ती है। एक बच्चा जन्म लेता है, उसको पढ़ाना लिखाना संस्कारित करना बिल्कुल अलग बात होती है। चट्टानों से पत्थरों से हीरे निकलते हैं, वे हीरे मट्टी में सने रहते हैं, उनको धोना तराशना निखारना ये कारीगरों का काम होता है। ऐसे ही हम मनुष्यों के जीवन में बचपन से हमारे माता पिता आचार्य अध्यापक गुरुजन और अंत में यदि परमेश्वर के मार्ग की तरफ ले जाने वाले सतपुरुष सतगुरु हमें मिल जाएं, तो हमारे भीतर पात्रता योग्यता पैदा होनी प्रारंभ हो जाती है। ये हैं पात्र जो परमेश्वर के निकट पहुंचने के योग्य बनते हैं। दूसरे हैं सुपात्र। कारीगरों ने जिन हीरों को रत्नों को इतना सुंदर बना दिया है कि संसार में उनकी कीमत को आंकना संभव नहीं, जैसे कोहिनूर। मनुष्यों के रूप में जैसे देवगण इस पृथ्वी पर आए, कृष्ण महाराज, प्रभु राम, भगवान शिव, अनेक ऋषि आत्मा वाले राजा महाराजा, जनक जैसे धर्मात्मा, ये सुपात्र थे जिन्होंने अपने जीवन में अमृत तत्व की साधना की, संसार को
सुख संपदा शांति ज्ञान और ईश्वरीय शांति का मार्ग इन लोगों ने दिया। और कुछ होते हैं कुपात्र अयोग्य, वे कभी पात्रता को अपने भीतर पैदा नहीं कर पाते। सुपात्र बनना तो बहुत दूर की बात है। जैसे दुर्योधन बाल्यकाल में ही जब गुरु के आश्रम में पढ़ते थे भीम को पानी में डुबा दिया, जहर दे दिया, पहले खीर में जहर दिया फिर पानी में डुबा दिया कि ये कम से कम मरे तो बड़े होके अपना हक अपना अधिकार तो नहीं मांगेंगे। हुआ उल्टा, भीम पानी में डूब गया और नीचे नाग लोक में पहुंच गया और वे नाग राजा जो नागराज थे वे उसके मामा और नाना किसी रिश्ते में थे। उन्होंने देखा ये बेहोश बच्चा, ये तो हमारा नाती है, हमारी बहन का पुत्र है। उसका उपचार उन्होंने किया और कहा लो ये अमृत के प्याले हैं, जितना पी सकते हो पियो, उतने ही हाथियों का बल तुम्हारे भीतर आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। संसार में पात्र और सुपात्र लोग इस जगत में सुंदरता सुगंध सद आचरण को सुख और शांति और संपदाओं का निर्माण करते हैं। कुपात्र मिली हुई संपदाओं को भी नष्ट कर डालते हैं। चांदी की बहुत सुंदर तश्तरी नक्काशी उसमें हो रही है और चांदी के उस तश्तरी में सड़ा हुआ फल रखा हुआ है तो वो उस चांदी की तश्तरी को भी लजा देता है। किसी का जन्म राजा महाराजा के घर में हुआ और उसका आचरण उसकी आत्मा सड़े हुए फल जैसे, सड़ा हुआ सेब जिसमें से दुर्गंध उठ रही है, कीड़े पड़ गए हैं, चांदी की तश्तरी में रखा है, कौन भला उसको खा लेगा? कोई नहीं खाएगा। दूसरी स्थिति क्या है? अमर फल मेहतर जिस पंजर से गंदगी को खींचते हैं उस गंदगी से सने हुए पंजर के ऊपर अमर फल रखा हुआ है, वो अमर फल होते हुए भी मलमूत्र में लिप्त होके अशुद्ध अपवित्र हो गया है, उसको कौन खा लेगा? कोई भी नहीं। यज्ञ में लकड़ियां समिधाएं इकट्ठी की जाती हैं। मान लीजिए कुछ लकड़ी ऐसी हैं जिनके दोनों सिरे गंदगी में सने हुए हैं, इधर का सिरा भी इधर का सिरा भी, उनको क्या कोई यज्ञ में समिधाओं की जगह प्रयोग कर सकता है? कभी नहीं। मलमूत्र में सनी हुई लकड़ियों को हवन में कौन डालेगा? कोई भी नहीं। ऐसे ही हम मनुष्यों का जीवन है, ये हमारा जीवन हमारे अपने हाथ में होता है। चाहे हम अपने भीतर पात्रता को पैदा करें, सुपात्र बने, या बुराई के मार्ग पर चलते चलते
पाप मार्ग पर चलते चलते, अधर्म के मार्ग पर चलते चलते चाहे हम नरक की दुर्गंध के निकट पहुंच जाएं। ये हमें स्वयं तय करना पड़ता है हमारी दिशा कौन सी है। महादेव शिव ने अपने शिष्य नंदी के बहुत से जन्मों के बारे में नंदी को बताया, नंदीश्वर उस जन्म में तुम ऐसे थे, उस जन्म में ऐसे थे, उस जन्म में ये थे। इसी प्रकार एक प्रातः काल में जब सूर्य उदय हो रहा था, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर शिव शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके चरणों में नंदी बैठे हुए थे। शिव ने कहा, नंदी, ये जीवात्मा अनेक अनेक जन्मों की यात्रा करता रहता है, तुम्हारे बहुत से जन्म हुए हैं, अपने एक और जन्म के विषय में तुम सुनो। दरभंगा राज्य के निकट एक छोटा सा राज्य था, वहां पर एक महाश्रेष्ठ नगर सेठ, 80 करोड़ मुद्राएं तो उसकी जमीन में गढ़ी हुई थी, और इसके अतिरिक्त जो उस पे संपदा थी, उस संपदा के द्वारा वो व्यापार किया करता था, लोगों की मदद भी करता, दान पुण्य आदि करता। उसके बूढ़े माता पिता थे, उसके घर में जो उसकी पत्नी थी, स्त्री, रात दिन कलह करती रहती, कलह करते, और होते होते वो कलेश इतना अधिक बढ़ गया। उस स्त्री ने उस श्रेष्ठ से कहा, देखो, या तो इस घर में तुम्हारे माँ बाप रहेंगे या मैं रहूंगी, और जब ऐसा निर्णय लेने का समय किसी इंसान के सामने आता है तो वो क्या निर्णय लेता है? माँ बाप को छोड़ देता है। और उनमें से अपनी पत्नी जो बड़ी मुश्किल से मिली है, हीरे रतन जैसे, उसको ग्रहण कर लेता है। एक रात्रि वो नगर सेठ बैलगाड़ी में उसने अपने माता पिता को बैठाया, वृद्ध हो गए हैं, दिखाई नहीं देता, बहुत कम सुनते हैं, बहुत कम दिखाई पड़ता है, अकेला ही बैलगाड़ी को चलाता हुआ वो श्रेष्ठ जंगल में, वनों में अपने माता पिता को ले गया। सोचा, ये इन जंगलों में कहां धक्के खाते फिरेंगे, और किसी को दिखाई भी देंगे तो लोग मेरी निंदा करेंगे। ये उस नगर श्रेष्ठ, उस नगर सेठ के माता पिता हैं। उसने क्या काम किया? जंगल में आग लगा दी और उनके बीच में बैलों को हांक दिया। बैल भी जल गए, बैलगाड़ी भी जल गई, वृद्ध माता पिता भी उस अग्नि में जल गए। ये कार्य करके वो चुपचाप सुबह होने से पहले पहले वापस अपने घर में आ गया। देवताओं का भी शाप उस पर टूट पड़ा।
व्यापार में जो धन संपदा लगाई थी डूब गई। 80 करोड़ की संपदा जो उसने पृथ्वी में दाबी हुई थी, उसका मस्तिष्क ऐसा विचलित हुआ कि उसको वो भूल गया। उसे याद ही नहीं रहा कि तेरा धन पृथ्वी में भी गढ़ा हुआ है। सब कुछ नष्ट हो गया, भूकंप आ गया, कुछ गांव वाले गांव छोड़ छोड़ के चले गए, सब कुछ बिस्मार हो गया, घर टूट फूट के मट्टी में मिल गए। बहुत वर्षों के बाद एक शिल्पी, मूर्ति गढ़ने वाला एक व्यक्ति, शिलाओं को ढूंढता हुआ उस उजाड़ गांव में पहुंचा और देखा यहां बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी शिलाएं हैं। उन शिलाओं को उसने छेनी हथौड़े से काट काट के, खोद खोद के देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया। ये कार्य वो कर ही रहा था, एक दिन एक भयंकर सर्प अपने मुंह में एक स्वर्ण मुद्रा दबाए हुए उस शिल्पी के पास आया और उस देवता की मूर्ति के पास में वो स्वर्ण मुद्रा रख गया और वापस चला गया। शिल्पी को बड़ा अचरज हुआ। अगले दिन फिर वैसा ही हुआ। 3-4 दिन प्रतिदिन वो नाग अपने मुंह में एक स्वर्ण मुद्रा दबा के लाता और देवता के चरणों में रख के वापस जाता। जैसे वो वापस जा रहा था, उस शिल्पी ने पूछा, हे नागराज, आप कौन हो और किस कारण से आप ये स्वर्ण मुद्रा यहां लाके रखते हो? वो नाग मनुष्य की भाषा में बोलने लगा, कहा, हे शिल्पी, मैं प्राचीन काल में इस नगर में रहने वाला नगर श्रेष्ठी था। मेरे महान पाप के कारण ये पूरा नगर उजड़ गया। मेरी 80 करोड़ की संपदा अब भी इन पत्थरों के नीचे दबी हुई है। ये संपूर्ण मुद्रा मैं तुमको देना चाहता हूं। शिल्पी ने कहा, हे नागराज, मैं तो सन्यासी हूं, मैं धन संपदा को हाथ भी नहीं लगाता, मैं देवी देवताओं की मूर्तियां बनाया करता हूं, मंदिरों में पहुंचा देता हूं और वहां से जो रोटी कपड़ा बस इतना मैं लेता हूं, कोई धन संपदा मैं किसी से नहीं ग्रहण करता। उस नागराज ने कहा, हे शिल्पी, तुम धन्य हो, किंतु मेरी आत्मा और मेरे वृद्ध माता पिता की आत्मा भटक रही है। तुम हमारे उद्धार के लिए कुछ कार्य करो। शिल्पी ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं, बताओ? कहा, यहां पर एक मंदिर का निर्माण करो, ये संपूर्ण संपदा मैं तुमको देता हूं, जितने अधिक से अधिक भव्यता उस मंदिर में हो तुम उसको भव्य मंदिर बनाओ और यहां
मनुष्यों को भोजन कराओ जब ये मंदिर संपूर्ण हो जाए। इधर उधर से दुनिया भर के वृद्ध पुरुषों और महिलाओं को बुलाओ और मेरी ये स्वर्ण संपदा उन वृद्धों को अर्पित कर दो। इससे मेरे माता पिता की आत्मा संतुष्ट होगी और जो पाप आचरण मैंने किया है अपने जीवित माता पिता को जंगल की अग्नि में फूंक डाला, उस पाप से मेरी मुक्ति हो जाएगी। उस शिल्पी ने ऐसा ही किया दूसरे लोगों की मदद से। उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, ब्रह्म भोज वहां हुआ, अनेक वृद्ध पुरुष वृद्ध महिलाओं को बुलाया गया और वो सब स्वर्ण मुद्रा उन वृद्ध और वृद्धाओं में बांट दी गई। तभी उस मंदिर में एक प्रकाश हुआ। वो नगर श्रेष्ठी और उसके माता पिता की आत्माएं वहां प्रकट हुईं। कहा, हे शिल्पी, हे सन्यासी, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। हम इस नाग योनि से, इस यक्ष योनि से आज छूट गए हैं, आज हमारा मोक्ष हो गया है। हम तुम्हें बार 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 प्रणाम करते हैं। संसार में तुम्हारे जैसे परोपकारी व्यक्ति इस पृथ्वी का रतन है। ऐसा कहते हुए वे तीनों आत्माएं देवलोक को चले गईं। शिव ये कथा नंदी को सुना रहे हैं। उन्होंने कहा, नंदी, तुम जानते हो वो शिल्पी कौन था? उस जन्म में तुम ही वो शिल्पकार थे, सन्यासी थे, दूसरों का परोपकार करने वाले थे। उस जन्म में तुमने बहुत धर्म अर्जित किया, पुण्य अर्जित किया और इस जन्म में तुम मुझको प्राप्त हुए हो। तुम जैसा पवित्र आत्मा वाला, सच्ची आत्मा वाला एक शिष्य, ये रतन मुझको प्राप्त हो गया है। नंदी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना मस्तक शिव के चरणों में रख दिया। शिव ने नंदी को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। शरीर रूपी ये महल है, इस महल के ऊपर चंद्रमा चमकता रहता है। ये जगत रात्रि के समान है। अज्ञानी और मूर्ख लोग जीवन रूपी इस रात्रि को भोग विलास लड़ाई झगड़े कलह कलेश पाप आचरण में नष्ट कर डालते हैं और पवित्र आत्मा वाले योगी योगेश्वर ऋषि मुनि निर्मल आत्मा वाले मनुष्य उस परम ब्रह्म का सिमरन करके अपनी आत्मा को पवित्र बना के अपने विचारों को पवित्र बनाते हैं, अपनी वाणी को सुंदर बनाते हैं, अपने कर्मों को सुंदर बना के उस परम ब्रह्म की ज्योति से जीते जी एकाकार हो जाते हैं। मेरे महल की छत पे चंदा चमके चमके सारी रात, ओ
महल की छत पे चंदा चमके चमके सारी रात। महल की छत पे चंदा चमके चमके सारी रात। तस्वीरों में आपने भगवान शिव को देखा होगा, उनके मस्तक पे चंद्रमा है। ये चंद्रमा क्या है? ये चंद्रमा हर एक व्यक्ति के मस्तक पर होता है। भगवान शिव के मस्तक पर चमकने वाला चंद्रमा, ये आत्मा का प्रकाश हमारे मूलाधार में नीचे अंधकार में पड़ा रहता है, जिस कारण से हमारा मनुष्य जीवन पशुओं की तरह बीतता है, लड़ने में झगड़ने में कलह कलेश पाप आचरण में हम लोग लगे रहते हैं। पशु जैसा हमारा स्वभाव हो जाता है। और जब आत्मा का ये प्रकाश इन छह चक्रों से उठता हुआ ऊपर मस्तक में त्रिकुटी पर पहुंचता है, तो ये जीव आत्मा ही पशुपति बन जाता है। ईश्वरीय ज्योति मस्तक पर चमकने लगती है और इसका आकार चंद्र ज्योति जैसा, जैसे चंद्रमा की किरणें अमृत बरसाती हैं, ऐसी ज्योति सात्मा की चमकने लगती है। शरीर रूपी महल है, आत्मा रूपी चंद्रमा है, और ये ऐसी ज्योति है बिना दीपक बिना तेल बिना बाती के। ये आत्म प्रकाश रात दिन झलकता रहता है, झमकता रहता है, चमकता रहता है। मेरे महल की छत पे चंदा चमके चमके सारी रात। मेरे महल की छत पे चंदा चमके चमके सारी रात। बिन पाती बिन तेल के दिया जले सारी रात। बिन पाती बिन तेल के दिया जले सारी रात। मेरे महल की छत पे चंदा चमके चमके सारी रात। मेरे महल की छत पे चंदा चमके चमके सारी रात। अज्ञान की रात है ये दुनिया जिसमें डूबा संसार। अज्ञान की रात है ये दुनिया जिसमें डूबा संसार। मेरे दिल में तेरा चांदना झिलमिल होवे उजियार। मेरे दिल में तेरा चांदना झिलमिल होवे उजियार। झिलमिल होवे उजियार झिलमिल होवे उजियार। मेरे
महल की छत पे चंदा चमके चमके सारी रात। मेरे महल की छत पे चंदा चमके चमके सारी रात। ये संसार अज्ञान की दुखों की रात्रि है। इस संसार में इस पृथ्वी पर अच्छी बुरी आत्माएं अच्छे बुरे लोग हर वक्त में हर युग में आते रहते हैं। जनक महाराज जैसे राजा राज ऋषि जो राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, और आज के वक्त में भी आप देखें हमारे भारतवर्ष में हमारे देश का राजा केदारनाथ की गुफा में बैठ के ध्यान लगाता है। ये हम लोगों का सौभाग्य है जो इस कलयुग में अपनी आंखों से हमें ये सब देखने का अवसर उस परमात्मा ने प्रदान किया। राजा को सब लोग अच्छा नहीं बताते, कोई गाली देता है, कोई बुरा बताता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सच्चाई मनुष्य की आत्मा के भीतर होती है। हे परमेश्वर, इस भारत भूमि पर धर्मात्मा राजा पैदा हो जिनके धर्म आचरण से भारतवर्ष का एक एक नागरिक प्रकाशित आत्मा बने, निस्वार्थ बने, परमात्मा को याद करने वाला बने, अपने राष्ट्र की सेवा करने वाला बने, मनुष्यों के दुख दर्द को समझने वाला बने। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है, राजा धर्मात्मा है तो प्रजा स्वयं उसको देख के धर्म का आचरण करने लगती है। राजा पापात्मा दुराचारी व्यभिचारी मक्कार पापात्मा होता है तो प्रजा उसी का आचरण करती है, उसी का अनुसरण करती है, वैसी ही बन जाती है। और सब तरह के लोग संसार में हैं, अच्छे भी और बुरे भी, लेकिन मत उनका जिक्र करो जिन्होंने गुलशन उजाड़ दिया, देश के देश को जो खा गए। बुरे लोगों का जिक्र ही मत करो। ये पृथ्वी हर एक मनुष्य का इतिहास लिखती रहती है। हम इस दुनिया में आए और यहां से क्या करके गए, एक एक दिन हमारे जीवन रूपी पुस्तक का एक एक पन्ना है। उस पे हमारी अच्छाइयां हमारी बुराइयां सब लिखी जाती है। मत उनका जिक्र करो जिन्होंने गुलशन उजाड़ दिया, उनका जिक्र करो जिन्होंने झंडा सूरज पे गाड़ दिया। ऐसे धर्मात्मा लोगों का हमें जिक्र करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, कथन करना चाहिए, जिनके जीवन से हमें शिक्षा प्राप्त हो, प्रेरणा प्राप्त हो, उच्च जीवन जीने
का तरीका हमें प्राप्त हो। आप सोचते होंगे ऐसा कौन है जिसने सूरज पे झंडा गाड़ दिया। सूरज पे तो कोई जा ही नहीं सकता, वो तो अग्नि का गोला है। हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष का इतिहास साक्षी है, गवाह है कि इस देश के लोग सूर्य पे गए हैं। बहुत ज्यादा समय की बात नहीं, सतयुग की बात नहीं, त्रेता और द्वापर की बात नहीं, कलयुग की बात हम कर रहे हैं। उज्जैन के अधिराज महाराजा विक्रमादित्य अपने जीवन काल में वो सूर्य पे गए। किस तरह से? एक बार उनके राज दरबार में एक ब्राह्मण आया। उसने कहा, हे महाराज, आप धर्मात्मा राजा हो, मैं अभी हिमालय से होके आ रहा हूं। वहां मानसरोवर में एक चमत्कार मैंने देखा, एक कौतुक देखा, वो मैं आपसे कहता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मानसरोवर के जल से एक पत्थर का स्तंभ निकलता है और वो धीरे धीरे सूर्य के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। सूर्य जब बीच आकाश में आ जाता है तो उस खंभे का स्पर्श सूर्य से होता है और भगवान सूर्य नारायण का रथ थोड़े समय के लिए उस रथ पे, वो जो रथ है उस स्तंभ पे ठहर के विश्राम करता है। उस ब्राह्मण ने कहा, आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप स्वयं जाके देखिए। राजा को बड़ा अचरज हुआ और उन्होंने तैयारी की वहां जाने की। राज्य व्यवस्था दूसरों को सौंप के वो हिमालय में गए। उस स्थान में पहुंचे, मानसरोवर के निकट पहुंचे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन वो उस खंभे को देखते रहे। खंभा निकलता है और ऊपर जाता है, सूर्य का स्पर्श करता है और नीचे आ जाता है, और सूर्यास्त होते होते वो बिल्कुल जल में निमग्न हो जाता है, छुप जाता है। अगले दिन राजा ने तैयारी की। सूर्य निकलने से पहले स्नान ध्यान करके परम ब्रह्म परमात्मा का नाम लेके जैसे ही खंभा ऊपर को आया उस पे चढ़ के बैठ गया विक्रमादित्य। और खंभा ऊपर उठ रहा है और उस खंभे के साथ साथ राजा भी ऊपर जा रहा है। और आप समझिए, जैसे जैसे सूर्य के निकट कोई पहुंचेगा तो उसकी क्या गति होगी। एक अवस्था ऐसी आ गई, राजा का शरीर जल भुन के राख का ढेर हो गया और वो खंभा तो अपनी गति से ऊपर बढ़ रहा है। सूर्य के बिल्कुल निकट पहुंचा खंभा, सूर्य का रथ वहां रुका। भगवान सूर्य नारायण ने देखा, अरे ये किसकी राख इस खंभे पे पड़ी है, कोई मनुष्य जैसा दिखाई देता है। अपने अक्षय पात्र से अमृत उन्होंने उस राख पे छिड़का, विक्रमादित्य राजा जीवित हो गए। उन्होंने सूर्य नारायण को अपने सामने देखा और प्रणाम किया। हे सूर्य नारायण, मैं उज्जैन का छोटा सा राजा विक्रमादित्य आपको प्रणाम करता हूं प्रभु। सूर्य नारायण को बड़ा अचरज हुआ, प्रसन्नता भी हुई। सूर्य देव ने कहा, हे राजा, तुम्हारे साहस को देख के मैं प्रसन्न हूं। यहां तक आने का अपना कारण आप बताइए। विक्रमादित्य ने कहा, प्रभु कारण कुछ भी नहीं है,
केवल मैं देखना चाहता था कि ये खंबा कहाँ तक जाता है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। मृत्यु के बाद भी आपने दोबारा मुझको जीवित कर दिया है। सूर्य नारायण ने कहा, देवताओं का दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता, वरदान मांगो। विक्रमादित्य ने कहा, प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, बस आपकी कृपा मुझ पे बनी रहे, इतना मैं चाहता हूं। बोले नहीं, कुछ मांगो। राजा ने कुछ मांगा नहीं। सूर्य नारायण ने जो रत्नों से जड़ित आभूषण पहने हुए थे, उनमें से एक सूर्य मणि निकाल के राजा को दे लो। ये सूर्य मणि मैं तुमको दे रहा हूं, इस मणि को हाथ पे रख के सूर्य की तरफ को मुंह करके जो भी तुम कहोगे वो सत्य हो जाएगा। तुम कहो कि स्वर्ग के देवता मेरे राज्य में आके मेरी नौकरी करने लगे, करने लगेंगे। कहो स्वर्ग का ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, कामधेनु, सप्तऋषि, सब संपदाएं मेरे उज्जैन में आ जाएं, तुरंत आ जाएंगे। वर्षा तुम्हारे राज्य में नहीं हो रही है, इस मणि को सन्मुख करके कहो वर्षा हो जाए, तुरंत वर्षा होने लगेगी। कोई भी कार्य असंभव नहीं। किसी शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया है, तुम इस मणि को कहो इन सबको नष्ट कर दो, तुरंत नष्ट हो जाएंगे। सूर्य नारायण को दोबारा से प्रणाम करके वो उस खंबे पर बैठ गए, और खंबा धीरे धीरे नीचे, और सूर्य नारायण का रथ उससे आगे चल दिया। जैसे जैसे सूर्य आकाश में नीचे जा रहा है, वो खंबा भी नीचे आने लगा, और सूर्यास्त होते होते वो बिल्कुल जल के स्तर पर आ गया। उधर ये घटना स्वर्ग लोक में इंद्र देख रहे थे कि सूर्य नारायण ने सूर्य मणि इस राजा को दे दी है, अब हम देवताओं का क्या होगा। स्वर्ग तो इस राजा के राज्य के सामने बिल्कुल फीका पड़ जाएगा, हमको कोई पूछेगा भी नहीं। ये राजा 100 देवताओं से भी बढ़ के हो जाएगा। इंद्र ने ब्राह्मण का भेष बनाया, और राजा अभी पृथ्वी तल पर आया भी नहीं, उससे पहले आकर के वो खड़ा हो गया इंद्र एक ब्राह्मण बन के। राजा ने उस मणि को अपने कपड़े में बांध लिया था, जल से जैसे बाहर आया, उधर इंद्रदेव जो ब्राह्मण बने हुए थे उन्होंने कहा, उज्जैन नरेश तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो। इस ब्राह्मण को कुछ दान दीजिए। राजा ने कहा, प्रभु इस निर्जन स्थान में मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो मैं आपको दूं, ना अन्न है ना धन है। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम दे सकते हो। तुम वचन दो, जो मैं मांगूंगा वो तुम मुझे दोगे। विक्रमादित्य ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं वचन देता हूं, मैं मांगने वाले को कभी भी निराश नहीं करता। आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं। उस ब्राह्मण ने कहा, सूर्य नारायण ने जो सूर्य मणि तुमको दी है वो मुझे दे दो। तुरंत एक क्षण भी कुछ सोचे बिना
राजा ने कपड़े में से वो मणि खोली और इंद्र को दे दी। लीजिए, गहरी दृष्टि से राजा ने उस ब्राह्मण को देखा और वो पहचान गए, ये स्वर्ग के अधिराज हैं, इंद्रदेव। राजा विक्रमादित्य ने इंद्र को प्रणाम किया। हे देवताओं के सम्राट, एक मनुष्य का प्रणाम आप स्वीकार करें। इंद्र ने कहा, राजा तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा, तुम जानते थे कि मैं इंद्र हूं, फिर भी तुम अपनी धर्म मर्यादा से नहीं टले। तुम चाहते तो मेरे स्वर्ग जैसे 100 स्वर्ग उज्जैन में पैदा कर सकते थे। तुमने बिना सोचे समझे ये मणि मुझको क्यों दे दी? महाराजा विक्रमादित्य ने कहा, हे इंद्र, आज मेरे पुरखे अपने हृदय में महान प्रसन्नता और संतुष्टि का अनुभव कर रहे होंगे कि एक मनुष्य का पुत्र देवताओं के सम्राट को दान दे रहा है। सारा संसार तुम देवताओं से मांगता रहता है, मंगतों की तरह तुम्हारे आगे हाथ फैलाए बैठे रहते हैं लोग, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। हे इंद्रदेव, मैं संसार के मनुष्यों में सबसे धन्य भाग मनुष्य हूं कि उस परम ब्रह्म परमात्मा ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप जैसे प्रतापी देवता को कुछ दे सकूं। तो हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा हुए। धर्म का कभी विनाश नहीं होता, घटता बढ़ता जरूर रहता है। मनुष्य में कभी पाप आचरण बढ़ जाता है, कभी धर्म आचरण बढ़ जाता है। ऐसे ही हमारे भारत में राजा रंती देव जैसे धर्मात्मा राजा हुए। अपने महल में सब राज भोग उन्होंने त्याग दिए थे, ऋषि और सन्यासियों जैसा जीवन वो व्यतीत करते थे। नीचे महल में उन्होंने तिनकों का बिछौना बिछाया हुआ था, उस पर विश्राम करते, जल पीने के लिए मिट्टी का प्याला उन्होंने रखा हुआ था। तिनकों का बिछौना, माटी का प्याला, अंबर से आत्मा में आवे उजाला। और उनके राज्य में अकाल पड़ा, 40 दिन तक राजा को भी कुछ खाने पीने को नहीं मिला, ऐसा कहते हैं। प्रजाजन इधर उधर चले गए। चालीस दिन के बाद राजा के सामने भोजन आया। परमात्मा का नाम लेके राजा भोजन करना ही चाहता है। एक बूढ़ा कमजोर बीमार सा ब्राह्मण वहां आ गया। कहा, राजा मेरे प्राणों की रक्षा करो, भूख से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक वो थाली उसके आगे रख दी। उन ब्राह्मण देवता ने थोड़ा बहुत खाया और छोड़ के भोजन चल दिया। थोड़ी ही देर बाद में राजा फिर से भोजन करना चाहता है, बचा हुआ भोजन। एक और व्यक्ति आ जाता है, कोई वनवासी।
और वो आके शोर मचाता है, राजा मुझे भोजन दो। उस भोजन को राजा रंतिदेव उसको देते हैं, वो भी खा के चला जाता है। थोड़ा सा भोजन और बचता है, राजा उस भोजन को ग्रहण करना चाहते हैं। तीसरी बार एक तीसरा व्यक्ति कंजर जैसा कुत्ते साथ में है और वो आता है, कहता राजा राजा भोजन भोजन। राजा उस बचे हुए भोजन को उसके आगे रख देते हैं। कुछ भोजन उस कंजर ने खाया, कुछ कुत्तों ने खाया, एक भी दाना अन्न का बचा नहीं। और इस प्रकार राजा भूखे के भूखे बैठे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद उन्होंने किया, हे प्रभु इस संकट के समय तूने मुझे धर्म आचरण करने की शक्ति प्रदान की, मैं तुझे लाख लाख बार प्रणाम करता हूं। ऐसा धर्म आचरण उसका देख के तीन देवता उसके सामने प्रकट हो गए, वे ही तीनों जो भोजन करके गए थे, देवताओं के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। उनमें एक थे ब्रह्मा, एक थे यमराज और एक थे रुद्र शिव। उन तीनों देवगणों ने कहा, राजा हम तुम्हारे धर्म आचरण से बड़े संतुष्ट हैं, वरदान मांगो। राजा ने कहा, प्रभु ना मैं राज्य चाहता हूं, ना मैं स्वर्ग चाहता हूं, ना मैं ये चाहता हूं कि मुझे देवताओं जैसा जन्म प्राप्त हो। मैं ये प्रार्थना करता हूं जब भी मेरा जन्म हो, जहां भी मेरा जन्म हो, मैं दुखी लोगों के दुखों को दूर कर सकूं। इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति, ऐसा धर्म आचरण आप मुझे प्रदान करें। तो ऐसे ऐसे धर्मात्मा हमारे यहां हमारे भारतवर्ष में हुए हैं। मेरे महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। मेरे महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। बिन बाती बिन तेल के दिया जले सारी रात। बिन बाती बिन तेल के दिया जले सारी रात। अज्ञान की रात है ये दुनिया, जिसमें डूबा संसार। अज्ञान की रात है ये दुनिया, जिसमें डूबा संसार। मेरे दिल में तेरा चांदना झिलमिल होवे उजियार। मेरे दिल में तेरा चांदना झिलमिल होवे उजियारे। झिलमिल होवे उजियार, झिलमिल होवे उजियारे। महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। मेरे महल की छत पे चंदा चमके, चमके सारी रात। बिन बाती बिन तेल के दिया जले सारी रात। बिन बाती बिन तेल के दिया जले सारी रात। इक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा,
एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, जगदीश्वर तेरा नाम सच्चा, जगदीश्वर तेरा नाम सच्चा, दो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, दो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, भले बुरे के मालिक तेरा नाम सच्चा, भले बुरे के मालिक तेरा नाम सच्चा, एक तू एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा है परमात्मा। ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं ओम ऊर्ध्वा ऊर्ष्णा ऊतये तिष्ठा देवो न सविता। हे मनुष्यों, तुम देवताओं जैसे बन सकते हो, देवताओं से भी उत्तम बन सकते हो यदि धर्म का आचरण करो। जिस प्रकार देवता सोने चांदी के पात्रों जैसे हैं, ऐसे पात्र जिनमें परमात्मा अपने अमृत को बरता है, यदि तुम भी अपनी आत्मा को सुनहरा पात्र बना लो, धर्म का आचरण करो, तो परमेश्वर तुम्हारी आत्मा के सुनहरे पात्र में अपने अमृत को भर देगा, तुम्हारे जीवन को प्रकाश से प्रकाशमान कर देगा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।